हाँ जी, गुड इवनिंग जी सारिआं नूं। गुड इवनिंग जी बच्चे, सॉरी वेट करना पै रहा जी। इदू पहलां एक टैट वाली क्लास सीगी, तो जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं थोड़ा लेट हो गया। ओके, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। वी डोंट वांट टू मिस यू एंड आई आल्सो डोंट वांट टू मिस यू गाइस। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। राजे कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें भी मैथ दी क्लास है वो मैथ दी क्लास लगा लो, अपने लिए तो रिकॉर्डेड मिल ही जानी है। तुसी सवेरे ला लो जी उठ के, कोई चक्कर नहीं, ठीक है? तुसी सवेरे ला लो जी, कोई चक्कर। हाँ जी चलो करिए शुरू फिर आज दी क्लास। हाँ जी आवाज आ रही है, ठीक है जी। राजे लिंक नू माड़ा मोटा अगे पिछे शेयर कर दो, ठीक है? चलो कोशिश करांगे आपां जिन्ना मैक्सिमम कंप्लीट कर पाए, ठीक है? जिहड़े रह गए वो फिर बाकी सवेरे 7 बजे करवा देंगे, जिहड़े क्वेश्चन रह गए उन्हों सवेरे 7 बजे करवा देंगे। हाँ जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। बायो विच क्वेश्चन सीधे सीधे है नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप विच ओके ओके लबने पैदे तो आ ही नहीं रहे क्वेश्चन। हाँ जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी पहला क्वेश्चन, इनक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन दे विच वाधा करना, उस प्रोसेस नूं की कहा जाता है? हाँ जी ऑयल प्रोडक्शन दे विच वाधा करना उसनू की कहा जाता है? येलो रेवल्यूशन, उसनू आपां की कहने आ? येलो। हाँ जी ओके, वाइट केड़ी हुंदी है? बाकियां दे नाम भी दसो, वाइट गोल्डन ते ब्लू। वाइट हुंदी मिल्क ते मिल्क प्रोडक्शन वाली, मिल्क ते मिल्क प्रोडक्ट्स, ब्लू फिश, ठीक है? पिछली बारी क्वेश्चन आया सी राजे, आया भावे एसएसटी सीगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ते गोल्डन प्रोडक्शन होंदी है, हनी हनी दी प्रोडक्शन होंदी, हनी दी राजे आ चेक करियो जी, गोल्डन प्रोडक्शन वाला हनी। हाँ गोल्डन वाला हनी दी प्रोडक्शन। ओके जिन्होंने राजे स्क्रीन नहीं देख रही वो की करना है, उन्होंने स्क्रीन दे उत्ते क्लिक करो ते बिल्कुल टॉप कॉर्नर ते एक निशान जा रहा है उहदे ते क्लिक करो, फिर क्वालिटी वाले ते क्लिक करो, फिर एडवांस्ड ते क्लिक करो, फिर 480 ते कर दो। हाँ हनी ते नाल उहदे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हाँ जी नेक्स्ट है, द प्लेस फॉर कीपिंग एंड स्टडिंग ड्राइंग प्लांट्स, खुशक पौद्या नू स्टडी करन वास्ते एक जगह बनी हुंदी है, उन्हां नू रखना उस जगह नू की कहा जाता है?
हर्बेरियम, उन्हों की कहा जाता है हर्बेरियम। मापा की कहाँ गए? हर्बेरियम। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग दे विच की नहीं होंगे, ग्रीन मैन्योर होंगे ने पर केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे। उदे विच केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे। ओके, जूट का ना राजे मैं श्योर नहीं हाँ, मे बी गोल्डन फाइबर होवे। ओके मोंटी अलोड़ा जी, सारियां दी सारियां क्लासेस जिहड़ियां ने वो यूट्यूब ते अपलोडेड ने, पर सारियां दी सारियां क्लासेस यूट्यूब ते अपलोड ने। तुसी किसी भी पुराने लिंक ते क्लिक करोगे ते क्लास चलेगी चलेगी। जिहड़ियां पल्सिस हुंदियां ने वो कादा रिच सोर्स हुंदियां ने प्रोटीन दियां, कादा रिच सोर्स हुंदियां ने प्रोटीन दियां। The technique used to obtain variety with the high yield and other desirable character is hybridization. Hybridization का मतलब होता है दो या दो तो वध फसलों को या फसलों के बीजों को मिक्स करके कोई चीज बनानी। दो या दो तो वध फसलों के बीजों को मिक्स करके कोई चीज बनानी। हाइब्रिडाइजेशन आप की करते हैं जिवें मान लो कणक ही आप लै लिए, ठीक है, कणक ए ते बी दो अलग अलग वरायटियां ने, ठीक है। ए मान लो 120 दिनों में पकती है, ठीक है, यदा झाड़ होंदा है मतलब आप क्वांटल के हिसाब से गल करिए 40 क्विंटल, ठीक है। कोई एक है जो 100 दिनों के पक जाती है, ठीक है, पर जो झाड़ है वह है 30 क्विंटल। हुण आपां दोवां नूं मिक्स करके एक तीजी सी बनानी जिहड़ी इन्ने दिनों पक्के ते इन्ने वाला झाड़ हो, मतलब डिजायरेबल करैक्टरिस्टिक्स नाल कोई चीज़ बनानी, उहनूं की कहिंदे आपां हाइब्रिडाइजेशन। उहनूं आपां की कहिंदे आ हाइब्रिडाइजेशन। पूसा लर्मा इज इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ, पूसा की वैरायटी है ये? जी पूसा वाली सारिया दी सारिया वीट होंदिया ने, कणक होंदिया ने, ये वीट दिया इंप्रूव्ड वैरायटीज ने, वीट दिया इंप्रूव्ड वैरायटीज ने। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन अ डेफिनेट रो पैटर्न, एक एक पैटर्न दे विच दो या दो तो ज्यादा क्रॉप्स नू उगाना उन्हों की कहा जाता है, एक पैटर्न दे विच उगाना उन्हों कहते हैं क्रॉप इंटरक्रॉपिंग। उन्हों आप की कहने हैं इंटरक्रॉपिंग। एक रजे उन्होंने लिखे है डेफिनेट रो पैटर्न, द बोटैनिकल नेम ऑफ ढैंचा, जो ढैंचा होंगे ना झोने के झोने तो झोने तो पहला बीजा जाता है, ठीक है, वह बोटैनिकल नेम की होंगे है, यह होंगे सिसबेनिया एक्लिटा, सिसबेनिया एक्लिटा, ठीक है। कुछ नाम ने जो आप याद रखने पैने ने, ठीक है, मतलब बहुत घट चांसिस ने यहो जो कुछ पूछा जाए। द बोटैनिकल नेम ऑफ सन हैम्प, जोड़ा सन हैम्प होंगे वह भी जंतर तरह होंगे, वह बोटैनिकल नेम होंगे क्लोटोरेला जूनिका। नाम रजे औखे ने या सौखे ने, हम एक बार आप याद करने पैने ने। लेंटिल हूँ आ भी नहीं हो सकता, तो आ भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेंटिन का नेम लेंस कुलिनरीज, द बोटैनिकल नेम ऑफ एग्जिप्टियन क्लोवर, यही बचे ही आ, बाकी सारे तो खत्म हो गए अपने को, बचे ही आ ही। हाँ जी, विच वन इज अ माइक्रो न्यूट्रिशन फॉर द क्रॉप प्लांट, क्रॉप वास्ते माइक्रो, यानी क्रॉप दे क्रॉप नूं की हुंदा है, कुछ जड़े ने वह माइक्रो न्यूट्रिशन होंदे ने ते कुछ मैक्रो होंदे ने।
ਮਾਈਕਰੋ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, तो माइक्रो जिहड़े हुंदे ने इहदे च हुंदे ने एन पी के सल्फर कैल्शियम ते मैगनीशियम। ठीक है, ते माइक्रो आयरन मैंगनीज कॉपर जिंक बोरोन क्लोरीन ते मोलिब्डेन। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है माइक्रो, माइक्रो दे विच आयरन आएगा, कैल्शियम मैक्रो है, मैग्नीशियम भी मैक्रो है, ते पोटाशियम भी मैक्रो न्यूट्रिशन है। अपने को आएगा आयरन जड़ा है वो की है माइक्रो न्यूट्रिशन। टोटल राजे 16 होंगे ने, जिन्हें चो तीन इसेंशियल होंगे ने, कार्बन हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन। ठीक है, 6 मैक्रो होंगे ने, 7 माइक्रो होंगे। ठीक है, तो कई सीधे ही 13 लिख देंगे ने, कई सीधा 13 भी लिखे होंगे। द कॉमन बायोफर्टिलाइजर यूज इन ऑरगैनिक फार्मिंग, ऑरगैनिक फार्मिंग दे विच कॉमन जिहड़ियां बायोफर्टिलाइजर ने वह आप यूज करते हैं, आप यूज करते हैं ग्रीन मैन्योर्स। ऑरगैनिक दे विच आप यूज करते हैं ग्रीन मैन्योर्स। सॉरी, उन्होंने पूछे राजे बायो फर्टिलाइजर सर, तो बायो दे विच ए नहीं आएगा, ग्रीन मैन्योर। ठीक है, बायो दे विच आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, उन्होंने पूछा बायो फर्टिलाइजर। बायो का मतलब होता है लिविंग, ते ग्रीन मैन्योर या ये सारे तो डेड होने तो बाद फर्टिलाइजर बनते हैं, तो फिर डी ऑप्शन आएगी। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन अ प्री प्लैंड सक्सेशन इज, अलग अलग क्रॉप्स उगानियां सेम फील्ड दे विच प्री प्लैंड, मतलब पूरी प्लानिंग करके एक दो नू मिक्स करके फिर बनानियां, उन्हों आपां की कहांगे प्लांट ब्रीडिंग। हाँ जी राजे, प्रियंका कंबोजी डी आऊगा बिल्कुल जी, मैं सही करता। मैक्सिमम मिल्क यील्डिंग बफलोइज सब तो ज्यादा, मतलब इन्हां दे विचों सब तो ज्यादा दुध देन वाली जिहड़ी मज केड़ी होएगी, मुरा, मुरा नस्ल दी मज। लैक्टेशन पीरियड इज मैक्सिमम इन, लैक्टेशन दा पीरियड दा मतलब हुंदा है दुध देन दा समा। दुध देने का समा सब तो ज्यादा किड़ी नस्ल दे विच होएगा, यह राजे गावां दी नस्लां दी गल हो रही है। ठीक है, तो होल्स्टन फ्रीजन जिहड़ी है उहदा सब तो ज्यादा लैक्टेशन पीरियड होएगा। ठीक है, लगभग 305 दिन होंगे, 300 के आसपास भी लिखा हुए तो हो सही है।
हाँ बिल्कुल, ये इंडियन नहीं है, ये फॉरेन ब्रीड है, जिन्हें एक्सोटिक स्पीशीज भी कहते हैं। ठीक है, इंडियन तहा हुंदी साहीवाल। एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स हैविंग हाई एग लाइंग कैपेसिटी इज, जिन्हां दी ओह वाले पोल्ट्री बर्ड्स जिन्हां दी अंडे देने की क्षमता ज्यादा होंगी, उन्होंने की कहा जाता है, वाइट, मतलब वो वाली जी स्पीशीज, उन्होंने की कहते हैं वाइट लेग हॉर्न। वो स्पीशीज केड़ी है? वाइट लेग हॉर्न। द फंगस डिजीज काजेज काजिंग मैक्सिमम डेथ ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। पोल्ट्री बर्ड्स की डेथ का किड कारण बनती है? एक फंगस डिजीज केड़ी होंगी है? एस्पेरिगुलोसिस। ए फंगस डिजीज। द मेथड मैक्सिमम यूज्ड इन कैटल ब्रीडिंग। कैटल ब्रीडिंग दे विच किड़ा मेथड ज्यादा यूज करया जाता है? आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। आप मध्य नूं टीके लवाते हैं ना, आप इवें कहने, आप मध्य नूं टीके लवाते नहीं, आप इवें कहने मध्य नूं टीका भरवाया है, तो वह जो प्रोसैस होंगे ना वो आर्टिफिशियल, वो सीमन होंगे। ठीक है, उन्होंने ना उन्हें को एक कंटेनर होंगे, उन्हें पा के रखे होंगे, वो कंटेनर के नाइट्रोजन होंगी है, तो नाइट्रोजन के विच ही क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस तरह काम करती है। ठीक है, ते वो मतलब जिहड़ा सीमन है वो खराब नहीं हुंदा, उस प्रोसेस नूं आपां की कहिंदे आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काओ। काओ दी मिल्क यील्डिंग वैरायटी केड़ी है? होस्टन फ्रीजवेल। होस्टन फ्रीजवेल हुने हुने पढ़िया सी आपां। वैक्स ग्लैंड्स ऑफ हनी बी आर प्रेजेंट इन। हनी बी दियां वैक्स ग्लैंड्स कित्थे किंदे विच हुंदियां ने? सिर्फ सिर्फ वर्कर्स जेड़े ने वो ही हनी बी बनाउंदे ने। ठीक है, क्वीन सिर्फ सिर्फ अंडे दिंदी है, ते जेड़े ड्रोन्स होंदे ने वो पोलिनेशन ते नेक्टर इकट्ठा करते हैं, वो सिर्फ सिर्फ रस इकट्ठा करते हैं। ड्रोन्स इन द हनी बी कलोनीज आर बोर्न आउट फ्रॉम। हनी बी का जो छत्ता होता उन्होंने कलोनी कहते हैं। ड्रोन्स इन द हनी बी कलोनी आर बोर्न आउट फ्रॉम। जड़े ड्रोन्स ने वो अनफर्टिलाइज्ड एग तो बढ़ते हैं। जड़े ड्रोन्स होंगे ने वो अनफर्टिलाइज्ड एग तो बढ़ते हैं। सैवरल एम्ब्रियोज कैन प्रोड्यूस एट अ सिंगल टाइम इन अ सिंगल काओ बाय द प्रोसेस ऑफ। एक तो ज्यादा भी एम्ब्रियोज बनाए जा सकते हैं काओ दे विच, केड़ी प्रोसेस दे नाल? उहदे विच एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस दे नाल भी किया जा सकता है। उन्होंने जी एम्ब्रियो ट्रांसफर वाली प्रोसेस दे नाल एक तो ज्यादा एम्ब्रियो बनाए जा सकते हैं। रिंडर पेस्ट डिजीज ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री की जी रिंडर पेस्ट डिजीज होंगी वो किदे करके होंगी है? वो एक वायरल डिजीज है, एक रिंडर पेस्ट डिजीज एक वायरल डिजीज है। द जर्सी बुल यूज्ड फॉर काउ ब्रीडिंग इज एग्जोटिक वैरायटी। जेडे जर्सी नस्ल दे नो पकने ना सान सान होंदे ने वो एग्जोटिक वैरायटी है। वो एग्जोटिक वैरायटी कितों लई गई है? इंग्लैंड तो। ठीक है, तो एक स्विस वाली जेडी नस्ल होंदी है वो कितों लई गई है? स्विट्जरलैंड तो। लेयर्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एग्स अप टू, जेडे लेयर्स होंदे ने जिन्हां दा काम ही अंडे देना होंदा है वो लगभग किन्ने अंडे दे दिंदे ने? 500। एक लेयर अप दे सारे लाइफ स्पैन दे विच
लगभग 500 अंडे दिंदा है। राजे मनी सिंह जी थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। अली कुनही इज फेमस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक ऑफ, एक केड़ी किस चीज दी बड़ी फेमस टेक्निक है? राजे 1 मिनट वेट करे रे। हाँ जी क्वेश्चन सी कर रहे, वापसी आंदे हैं। आ 27th हो गया कि नहीं होया? 27th हो गया या नहीं होया? ओके क्वेश्चन है, नहीं होया। अली कुनाही इज द फेमस डेवलपमेंट टेक ऑफ टेक्निक, इधर हाइपोफाइजेशन। हाइपोफाइजेशन की होती है एक स्पेशल टाइप दी, मतलब फिश फार्मिंग होती है, ठीक है? मतलब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता है, तो इन्हें में याद रख लो तो ज्यादा बेनिफिशियल है। एक स्पेशल टाइप दी फिश फार्मिंग होती है। यही राजे पहला चैप्टर सी, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ जी सेकंड चैप्टर से चलते हैं। सेकंड चैप्टर बड़ा सौखा था, बड़ा वधिया आएगा। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। हाँ जी चलो सेल दे क्वेश्चन करते हैं शुरू। द टर्म सेल वाज गिवन बाय, सेल टर्म किसने बनाई सी? रॉबर्ट हुक ने। एक वर्ड लैटिन वर्ड सेलुला बनाया सी। लिवन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किए थे। फर्स्ट लिविंग सेल,
फ्लेमिंग दा कोई नाम नहीं आता, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल दे विच न्यूक्लियस दी गल की सी। वो प्रपोज सेल थ्योरी किने दी सी, शेल्डन अते श्वान ने। द लोंगेस्ट सैल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी दे विच लोंगेस्ट सैल केड़ा हुंदा है? नर्व सैल। लोंगेस्ट सैल केड़ा हुंदा है? द नंबर ऑफ लेंसेज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे विच दो लेंस हुंदे ने, ठीक है, जिहड़ा ऑब्जेक्ट वाले पासे हुंदा है उस लेंस नू ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, ते जिहड़ा आई वाले पासे हुंदा है उन्हों आई पीस कहा जाता है। ओके, नर्व सेल रहे अपने शरीर दे विच एक हिस्से तो लैके दूजे हिस्से तक चलते रहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ सेल बिगिंस इन 1665 विद द पब्लिकेशन ऑफ माइकोग्राफिया इन लंडन बाय, माइकोग्राफिया बुक किने लिखी सी? रॉबर्ट हुक ने। किने लिखी सी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक रॉट अ बुक हुज नेम इज माइक्रोग्राफिया। द आइडिया ओमनस सेलुला ही सेलुला विच मीन्स दैट ऑल लिविंग सेल्स एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे दस्या सी, पर किंदे ने प्रोटोप्लाज्म के बारे दस्या सी, ते शेल्डन ने सेल थ्योरी दे विच प्लांट वाला पार्ट दिता सी, ठीक है, उन्हें कहा सी सारे दे सारे प्लांट जेहड़े सेल ने वो की हुंदे ने सैलां तो बने होंगे ने, सारे के सारे प्लांट जोड़े ने वो कहदे बने होंगे ने सैलां के बने होंगे ने। हाँ जी, सतवां, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इरेगुलर और वेरिएबल शेप? इरेगुलर ते वेरिएबल शेप किंदी हुंदी है? अमीबा दी, ठीक है, ते अमीबा कोल मूवमेंट वास्ते एक स्पेशल चीज हुंदी, उन्हों की कहंदे ने फाल्स फिट, उन्हों की कहंदे ने आभासी पैर, उनका एक नाम होर हुंदा है, इनू की कहा जाता है स्यूडोपोडिया, ते अमीबा की हुंदा है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द जेनेटिक मटीरियल ऑफ यूक्रियोटिक सैल, यूक्रियोटिक सैल का जेनेटिक मटीरियल कि दे विच हुंदा है? न्यूक्लियस दे विच, न्यूक्लियस नू ही सेल दा दिमाग कह दिंदे ने या फिर हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर ऑफ ए सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस इज आ सीट ऑफ, न्यूक्लियोलस दे विच की हुंदा है? न्यूक्लियोलस दे विच राइबोसोम्स बनते हैं, न्यूक्लियोलस दे विच। ओके, नॉलेज लैब्स वायरस बाहू जी नॉन यूनिसेलुलर। ओके, वायरस जिहड़े होंदे ना वो लिविंग च ही नहीं आते, तो आप सैल तो उन्होंने क्लासीफाई करते हैं ना जिहड़ी चीज़ लिविंग होंदी है, जिहड़ी चीज़ लिविंग ही नहीं, ठीक है, जिहड़ी चीज़ लिविंग ही नहीं है वह किवें बन सकती है? राजे, किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो इस नंबर से संपर्क करो, तो पीडीएफ मिल जाएगी।
मिडल लैमला इज फॉर्मड ऑफ, मिडल लैमला जिहड़ा हुंदा है मतलब एक सैल दी कंध नूं दूजी सैल कंध नाल जोड़न वास्ते जिहड़ी जिहड़ा मिडल लैमला स्ट्रक्चर हुंदी उह कहदा बणिया हुंदा है। मिडल लैमला लैमला इज कैल्शियम पिकेट दा बणिया हुंदा है। कैल्शियम पीकेट का बनया होंगे। ओके पीडीएफ फ्री ने रजे, सारा का सारा सिस्टम फ्री चल रहा हूं। प्लाज्मा मैमब्रेन इज सैमी परमीएबल, परमीएबल, सिलेक्टिव परमीएबल, इमपरमीएबल। प्लाज्मा मैमब्रेन सिलेक्टिव परमीएबल होंगी है। सिलेक्टिव मतलब ये आप सिलेक्ट करती है भी केड़ा केड़ी चीज अंदर जानी चाहिए है ते केड़ी चीज अंदर नहीं जानी चाहिए। ए सेल प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन स्वेल अप, जो सेल नू हाइपोटोनिक विच रखांगे, ठीक है, एक सेल नू गाढ़े दे विच रखांगे, गाढ़े सॉल्यूशन च रखांगे तो वह की होएगा श्रिंक होएगा। एक सेल नू पतले सॉल्यूशन दे विच रखांगे तो स्वेल होएगा, बराबर दे विच रखांगे तो उवें ही पिया रहेगा। तो बराबर वाले सोल्यूशन नूं कहा जाता है आइसोटोनिक, पतले नूं कहा जाता है हाइपोटोनिक, गाढ़े नूं कहा जाता है हाइपरटोनिक। ए सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन बर्स्ट अप, एक सेल जिहड़ा हाइपोटोनिक सोल्यूशन दे विच रखा गया है वह बर्स्ट हो गया मतलब फट गया, वह किहड़ा सैल होएगा, एनीमल सैल होएगा। क्यों? क्योंकि एनीमल सैल दे विच ही प्लाज्मा मैमब्रेन हुंदी है। बल्क ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसमोसिस बोथ ए एंड बी। बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब होंदा है ज्यादा अमाउंट दे विच जिहड़ा मटीरियल है वह ट्रांसपोर्ट होंदा है किहड़े मैथड दे नाल, एक्सोसाइटोसिस ते एंडोसाइटोसिस दोवां दे नाल। एंडोसाइटोसिस दे नाल सैल दे कोई चीज अंदर जा रही है, एक्सोसाइटोसिस दा मतलब होंदा है सैल दे बाहर जा रही है। साइटोप्लाज्म इज, साइटोप्लाज्म की चीज होंदी है, यूनिट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ना जी, इट इज द प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सारा का सारा जिहड़ा सिस्टम सेल मेम्ब्रेन दे लैके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सारा का सारा सैल ऑर्गेनेल सारा मिक्स होवे उहनूं आपां की कहांगे प्रोटोप्लाज्म। जिहड़ा रफ ई आर हुंदा है उहदे विच की हुंदा है, रफ की करता है राइबोसोम्स, ई आर दे नाल कुछ भी नहीं अटैच ता वह की होएगा स्मूथ, ते जेकर नाल कुछ अटैच है ता रफ ई आर। प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड इज, वह वाले जिहड़े प्लास्टिड जिन्हां दे विच हुण की हुंदा है प्लास्टिड दे विच जो आपां प्लास्टिड पढ़ते हैं तीन तरह के होंदे ने, क्लोरोप्लास्ट जिहड़े हरे रंग दे हुंदे ने, क्रोमो जिहड़े हरे नूं छड्ड के होर किसे रंग दे हुंदे ने, ते ल्यूको वैसे कलरलैस हुंदे ने। इह की करदे ने फूड नूं स्टोर करदे ने, हुण अलग अलग फूड स्टोर करदे ने, ठीक है। तां जिहड़े प्रोटीन दी स्टोरेज दा काम करदे ने उह किहड़े हुंदे ने एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट की करदे ने प्रोटीन दी नूं स्टोर करके रखदे ने। सीट ऑफ फोटोसिंथिस, वह कि जगह है जिथे फोटोसिंथिस होंगी है, फोटो ज फोटोसिंथिस कितने होंगी है, क्लोरोप्लास्ट से, क्रोमोप्लास्ट से, या ल्यूकोप्लास्ट से, या फिर ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो मेन जी होंगी वह क्लोरोप्लास्ट से होंगी है, ठीक है। वैसे थोड़ा कुछ हालात के ऑप्शन सी भी बन सकती है, पर जे इन्हां विचों आपां नूं चूज़ करना पवे तो फिर आपां बी चूज़ करांगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सीट ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर की हुंदा है
एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया दे विच की हुंदी है एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके 19वें दा क्रैब साइकिल ऑफ, बिल्कुल क्रैब साइकिल वाला प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया दे विच हुंदा है ते ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म च हुंदी है ते आहा ए एनाएरोबिक भी साइटोप्लाज्म च हुंदी। ए ते बी बोथ आना चाहिदा, ए ते बी बोथ, बिल्कुल बिल्कुल राजे बोथ आएगा। गोल्गी अपरेटस इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ, गोल्गी अपरेटस की काम करता है, हाँ आप ज्यादा बैटर ऑप्शन अगर आप चूज करनी हो ए तो बी चू तो बी ज्यादा बैटर है। गोल्गी अपरेटस इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, गोल्गी अपरेटस किस चीज की सिंथेसिस वास्ते हेल्प करता है, न्यू मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम की सिंथेसिस वास्ते गोल्गी अपरेटस यूजफुल हुंदा है। लाइसोसोम्स नु की कहा जाता है, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग इनू आप की कहने हैं, आत्मघाती पोटली। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स टेक पार्ट इन, जेडे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होंगे ने वह की दे विच पार्टिसिपेट करते हैं, ओसमो रेगुलेशन। हम ओसमो रेगुलेशन की होंगी है, सैल दे अंदर पानी का दबा मेंटेन करके रखना, सेल के अंदर पानी का दबा मेंटेन करके रखना। हाँ बिल्कुल राजे 21st दिया बाकी ऑप्शन भी सही ने, ठीक है जरूर राजे यहोजी चीजा ते ध्यान दो। कई बार बड़िया बार इवें हुंदा है भी आप एक ऑप्शन वेख के ते आप सिस्टम खराब कर लैंदे आ, ठीक है भी आही सही है। राजे सारिया ऑप्शन जरूर पढ़ो, ए आंसर क्या आएगा, डी इज द करैक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। सेंट्रोसोम्स अकर्स इन, सेंट्रोसोम्स मेनली कि हुंदे ने, मेनली एनिमल्स दे विच हुंदे ने या फिर कुछ प्लांट्स, जिहड़े प्लांट्स लोअर कैटेगरी च आ, जदों आपां प्लांट्स दी क्लासीफिकेशन पढ़दे आ तां जिहड़े छोटे प्लांट्स वाली कैटेगरी च आउंदे ने उहनां दे उहदे च की हुंदे ने सेंट्रोसोम। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है टिश्यू, द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन द मल्टी सैलूलर ऑर्गनिज्म, मल्टी सैलूलर ऑर्गन्स दे विच टिश्यू का की काम होता है, टिश्यू की करते हैं डिवीजन ऑफ
लेबर टिश्यू की कर देने, डिवीजन ऑफ लेबर, काम दी वंड, मतलब आपस में काम वंड लेते हैं भी, इन्ना काम मैं करना है इन्ना काम तुसी करना है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स अलाइक इन दी फॉर्म फंक्शन एंड रीजन कॉल्ड टिश्यू। इको जे सेल जो तो रल मिल के काम करते हैं दोनों आप की कहने हैं टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स बिलो इज द करेक्ट अबाउट मेरिस्टमैटिक टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू सेल दी डिवीजन वंड ते उतला ही हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। तां ये टिश्यू उन्हां सैलां तों बनदे हुंदे ने जिन्हां दे विच सैल डिवीजन हो सकदी है। कि साजन जी कह रहे हैं सर सेल दियां विच दो स्लाइड्स रह गईयां, सेल दियां दो स्लाइड्स रह गईयां, मतलब चलो मैं वेखदा राजे होर जिहड़ियां रह गईयां कोई करवा दिंदे, कोई गल नहीं। तां जिहड़े मेरिस्टमैटिक टिश्यू ने ओह उन्हां सैलां तों बणदे ने जिहड़े डिवाइड हो सकदे ने, ते जिहड़े डिवाइड हो सकदे ने उहनां दा इक स्पैशल नाम हुंदा है, उहनां सैलां नूं टोटिपोटेंट कहा जांदा है। जिन्हां सैलां दे जिहड़े सैल डिवाइड हो सकदे उहनां नूं की कहा जांदा है टोटिपोटेंट, ठीक है। हाँ जी राजे मैं करवा दिना राजे कोई गल नहीं। द न्यूक्लियाई ऑफ मेरिस्टेमेटिक सैल, ओह वाले सैल जिहड़े मेरिस्टेमेटिक सैल ने उहनां दे जिहड़े न्यूक्लियस हुंदे ने ओह छोटे हुंदे ने या वड्डे हुंदे ने? ये वड्डे हुंदे ने, क्यों? क्योंकि इन्हां दे विच सैल डिवीजन होनी हुंदी है, इन्हां दे विच सैल डिवीजन होनी हुंदी है। द सैल वाल ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सैल दी जिहड़ी सैल वाल है ओह कादी बनदी है राजे? मेरिस्टमैटिक सैल होंगे कि ने प्लांट ते, प्लांट की सैल वाल का बनती है सैलुलोज दी, प्लांट की सैल वाल का बनती है सैलुलोज दी। पैरेनकाइमा विच कंटेन क्लोरोफिल, ओह वाले पैरेनकाइमा जिदे क्लोरोफिल होगी उन्होंने की कहेंगे? क्लोरन काइमा। राजे नाम तो क्लियर है क्लोरन काइमा। पैरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। पैरेनकाइमा किस टाइप के टिश्यू होंगे? सिंपल। हूँ सिंपल कैसे टिश्यू होंगे ने? जिहड़े इक्को जिहे सैलां तों बणदे हन। जिहड़े इक्को जिहे सैलां तों बणदे हन उहनां नूं आपां की कहिंदे आ? सिंपल टिश्यू। पैरेनकाइमा सिंपल ने ते फ्लोइम की ने? कॉम्पलैक्स। फ्लोइम की ने? कॉम्पलैक्स टिश्यू। फ्लोइम इन द प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, फ्लोइम की काम करते ने फफे ते, फ्लोइम ते फफे ते फूड, ये भोजन का स्थान अंतरण करते हैं, ते भोजन के स्थान अंतरण का एक स्पैशल नाम होंगे कहते ट्रांसलोकेशन, ठीक है जी। ए की करते हैं कंडक्शन ऑफ फूड। हूँ अपने को क्या आएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। कॉलन कायमा मेनली फॉर्म्स, कॉलन कायमा जो टिश्यू होंगे ने ओह की बनाते हैं? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मतलब एक तरह की लेयर होंगी है, ते कॉलन कायमा की करते हैं? फ्लैक्सीबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ये की करवाते हैं? फ्लैक्सीबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, ये ट्रांसलोकेशन बोथ डायरेक्शन करते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली ऊपर नीचे बोथ डायरेक्शन। परमानेंट टिश्यू डिफर फ्रॉम ਦਾ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੋਨ ਜਾਂ ਨੋਟ ਟੋਟੀਪੋਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟੋਟੀਪੋਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ
अटेनमेंट जिहड़े मेरिस्टमैटिक नू डेफिनेट शेप ते साइज लैंदे ने, कम अलग अलग होंदे ने, ते आंसर की आएगा ऑल ऑफ द अबव टिश्यू दैट इज एबसेंट इन मोनोकोट। मोनोकोट दे विच कि टिश्यू ने जिहड़े एबसेंट होंदे ने, मोनोकोट जिहड़ियां होंदियां ने फ्लैक्सीबल नहीं होंदियां, ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਗ੍ਰਿਟ ਆਫ ਪੀਅਰ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਆਫ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਲੇਰਿਟਸ ਦੀ। ਪੀਅਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਲੇਰਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਲੈਰਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਲੈਰਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਡੈਡ ਸੈੱਲ, ਡੈਡ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਕਲੈਰਨਕਾਈਮਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਇਲਮ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਟ੍ਰੈਕਿਆਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਥ। ਜ਼ਾਇਲਮ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਲੋਇਮ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਸੀਵ ਟਿਊਬ ਤੇ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਸੈੱਲ। ਸੀਵ ਟਿਊਬ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਵ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਡੈਡ ਸੈੱਲ, ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇ, ਟ੍ਰੈਕਿਆਡਸ ਵੈਸਲ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਾਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਟਿਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਇਲਮ, ਜ਼ਾਇਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਇਲਮ ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਜ਼ਾਇਲਮ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ, ਜ਼ਾਇਲਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਕਲੈਰਨਕਾਈਮਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਲਿਵਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਕਲੈਰਨਕਾਈਮਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੈਡ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਫਲੋਇਮ ਇਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਇਨ ਮੋਨੋਕੋਟ, ਮੋਨੋਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਲੋਇਮ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਲੋਇਮ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਫਲੋਇਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ, ਫਲੋਇਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਫਾਈਬਰਸ। ਰਾਜੇ ਸਕਲੈਰਨਕਾਈਮਾ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਫਾਈਬਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਇਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਲਮ ਨੂੰ ਵੁੱਡ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲੋਇਮ ਨੂੰ ਬਾਸਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਲੋਇੰਗ ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਬਾਸਟ ਫਾਈਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਿਸ਼ੂਜ ਆਰ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਮੇਨਲੀ ਡੈਡ ਸੈੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਡੈਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਇਲਮ ਵੀ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਵੀ ਐਂਡੋਡਰਮਿਸ ਵੀ ਪਰ ਫਲੋਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ,
आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, तो फिर की आएगा जाइलम। जाइलम दे चार पार्ट होंगे ने, वैसल्स, ट्रैकियार्ड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। एक आ पार्ट लिविंग होंगे ते बाकी सारे दे सारे डेड होंगे ने, बाकी सारे दे सारे। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी की होंगी है स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी नु की कहा जाता है हिस्टोलॉजी। तो फादर बाइचेट, टर्म हिस्टोलॉजी किने दी सी मेयर ने, टर्म हिस्टोलॉजी वाज, ठीक है। तो साइटोलॉजी की होंगी है, स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी आप की कहेंगे साइटोलॉजी। द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय, सॉरी टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय मेयर, टिश्यू टर्म किन दी सी टिश्यू टर्म जी दी सी बाइचेट ने दी सी, सॉरी टिश्यू टर्म भी बाइचेट ने दी सी, बस टर्म हिस्टोलॉजी ही उन्हें बनाई सी। एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज हैज एन एक्सपोज्ड आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस एंकर टू कनेक्टिव टिश्यू बाय अ थिन नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। अगर थले अंदर किसी होर टिश्यू नाल कनेक्टेड होंगे ने, ठीक है, तो उस चीज़ नूं की कहा जाता है बेसमेंट मैमब्रेन, उन्हूं आपां की कहने आ बेसमेंट मैमब्रेन। विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वैसल, ब्लड वैसल दे अंदरले पासे जिहड़ी लाइनिंग उह कौन बनाउंदे ने, एपीथेलियल, उह कौन बनाउंदे ने एपीथेलियल। विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कहड़े टिश्यू बनाउंदे ने एपीथेलियल टिश्यू। द कवरिंग टिश्यू ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ एनिमल्स कहड़े टिश्यू होंदे ने एपीथेलियल, इन्हां दा काम की होंदा है प्रोटेक्शन ते एक्सटर्नल कवरिंग। द ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स आर पुश्ड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दे विचों जिहड़े किसी चीज़ नूं अंदर बाहर कढ़ना होवे तां सिलिएटेड, सिलिएटेड मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ते फ्लैगला मतलब फैदर लाइक स्ट्रक्चर। नेसल एंड जेनिटल ट्रैक्ट आर लाइंड बाय, अपनी नाक दे विच जिहड़ी नसा हुंदियां ने या अपना जिहड़ा जेनिटल ट्रैक्ट हुंदा है उहदी जिहड़ी अंदरली लाइनिंग है उह कादी बनदी है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यू, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यू हुंदे ने ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਨੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਟਿਸ਼ੂ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਏਰੀਆ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸਕੁਇਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੇਅਰ, ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸਕੁਇਮਸ। कार्डियक मसल फाइबरस आ, जिहड़े कार्डियक मसल फाइबरस हुंदे ने ओ की हुंदे ने ब्रांचड हुंदे ने स्ट्रेटेड हुंदे ने इनवोलंटरी हुंदे ने ऑल ऑफ दीज, ठीक है ऑल ऑफ दीज। जे किते पहला इनवोलंटरी लिखिया हुंदा ना ते आपां पक्का ही ए ला देनी सी, ब्रांचड भी हुंदे ने स्ट्रेटेड भी हुंदे ने इनवोलंटरी भी हुंदे ने। सिलेंड्रिकल मसल फाइबर विच शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, जिहड़े लाइट ते डार्क बैंड शो करवाते ने वो किहड़े हुंदे ने स्ट्रेटेड मसल, किहड़े मसल हुंदे ने स्ट्रेटेड मसल। मोस्ट अबंडेंट एनीमल टिश्यू, एनीमल्स दी बॉडी विच सब तो ज़्यादा टिश्यू किहड़ा प्रेजेंट हुंदा है, सब तो ज़्यादा किहड़ा 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 टिश्यू प्रेजेंट हुंदा है, कनेक्टिव टिश्यू, क्यों, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू
ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਾਂਹ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ, ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮਾਸਟ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸਟ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟ, ਟੈਂਡਨਸ ਐਂਡ ਲਿਗਾਮੈਂਟ, ਡੈਂਸ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਮ ਬੀ ਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬੀ ਬੀ ਐਲ, ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਬੋਨ ਨਾਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੋਨ ਨੂੰ ਬੋਨ ਨਾਲ ਟੈਂਡਨ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਕਨੈਕਟ ਆ ਬੋਨ ਵਿਦ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਸਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਕਾਰਟੀਲੇਜ, ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਦਾ? ਕੋਂਡਰਿਨ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੋਂਡਰਿਨ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 55% ਪਲਾਜ਼ਮਾ, 44% ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਅਤੇ 1% ਡਬਲਿਊ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟਲੇਟਸ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ, ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੋਨੋਸਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨੋਸਾਈਟਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਬਲਿਊ ਬੀ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਰੀ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਬੋਨ ਟੂ ਬੋਨ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੋਰੀ। ਮਸਲ ਬੋਨ ਟੂ ਬੋਨ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਬੋਨ ਨੂੰ ਬੋਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅਰੇ ਅਰੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਵਾਕ ਸੌਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ 3-4 ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਸੁਮ ਆਫ ਨਿਊਰੋਨ, ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ। ਫਲੂਇਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਲੱਡ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਾਰਪਸਲਸ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਗਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਬੀ ਸੀ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿੰਫ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਿੰਫ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਦੀ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਆਰ ਬੀ ਸੀ ਕੱਢ ਦੀ ਤਾਂ ਮਗਰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਲਿੰਫ। ਟੈਂਡਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰਕਚਰ, ਟੈਂਡਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ? ਐਮ ਬੀ ਟੀ, ਮਸਲ ਨੂੰ ਬੋਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਲ ਨੂੰ ਬੋਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਮ ਬੀ ਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼? ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਲਾਸ ਹੀ ਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਓ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਲਗਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰੀ। ਓਕੇ, ਸਪਲੀਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜੀ ਸਪਲੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੀਨ ਉਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਐਨੀ ਚੀਜ਼।